औज़ुबिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, बहुत से दोस्तों ने यूरिक एसिड के हवाले से जो वीडियो है वो देख के हमसे सवाल किए कि अगर किसी को यूरिक एसिड के मसाइल से दो चार होना पड़े और किसी को अगर ये मसाइल हैं तो वो खुराक में किन चीज़ों का ख्याल रखें और कौन सी दवाइयाँ ऐसी हैं कि उनका इस्तेमाल करके वो जो ज़्यादा यूरिक एसिड है उसके खतरात से वो बच सकते हैं। सो जिन लोगों को यूरिक एसिड के मसाइल ज़्यादा हैं, उनका ब्लड यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दवाइयों का इस्तेमाल करें। दवाइयों के लिए कुछ अपनी कंपेलिंग इंडिकेशंस होती हैं, मतलब अगर आपका यूरिक एसिड इतना ज़्यादा है कि वो आपके डाइट से और आपके जो नॉर्मल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं उसके साथ वो नॉर्मल पे नहीं आ रहा, या यही यूरिक एसिड जो है आप में पेचीदियाँ पैदा कर रहा है, रीनल स्टोन्स वगैरह, या इसके अलावा अगर आपको बार बार जो गाउट का मसला है वो हो रहा है, आपके जॉइंट्स पर ये असरअंदाज हो रहा है, सो उसके लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल भी करा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पास आते हैं, उनका यूरिक एसिड लेवल हाई होता है और हम उनको मुख्तलिफ किस्म के परहेज़ बता देते हैं कि आपने इन इन चीज़ों से परहेज़ करना है। यूरिक एसिड के जो परहेज़ हैं वो तकरीबन सारे लोगों को पता है कि अक्सर औकात आपका डॉक्टर जो है तो आपको बड़ा गोश्त, लोबिया, चना, मुख्तलिफ किस्म की दालें वगैरह और ये चीज़ें आपको इसकी हिदायत जारी करता है कि आप अपने डाइट में इसका इस्तेमाल कम से कम कीजिए, जो कि सच है, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो जब मेटाबोलाइज होती हैं, उनके जब मेटाबोलाइट्स बनते हैं सो उनमें प्यूरिन्स और पायरामिडिन्स ये चीज़ें बनती हैं जिससे बाद में जाके यूरिक एसिड बनता है। तो अगर आप प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं सो उससे आपके यूरिक एसिड के बढ़ने का अंदेशा होता है। लेकिन प्रोटीन्स जो है वो बॉडी के लिए ज़रूरी भी हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के जितने फंक्शन हैं, जिस तरह की आपकी इम्यूनिटी हो गई, आपके इम्यून सेल्स हो गए और आपकी बॉडी के जितने फंक्शन हैं, आपको एनर्जी के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत है, आपके जो अपेंडेजेस हैं बॉडी में वो प्रोटीन्स उनको दरकार होते हैं, सो उसके लिए आप प्रोटीन्स का जो उनकी खुराक है वो आप मुकम्मल तौर पे तर्क तो नहीं कर सकते, या आपकी जो खुराकें हैं उनमें कहीं ना कहीं से प्रोटीन्स डेफिनेटली आ जाती हैं। सो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यूरिक एसिड आपका ज़्यादा है और आप इस मसले का शिकार हैं तो आपको किस किस्म की खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। अवलम ये कि आपको पानी और मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। जितना आप फ्लूइड इनटेक आपका ज़्यादा होगा उतना ही आपका यूरिन ज़्यादा होगा, और जितना आप यूरिन ज़्यादा पास करेंगे उतनी ही मिकदार में जो आपकी बॉडी का यूरिक एसिड है, जो एमोनिया है, जो यूरिया है, जो क्रिएटिनिन है, वो आपके गुर्दे के थ्रू उसका अखराज होगा, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ने नहीं पाएगा। लेकिन पानी के इस्तेमाल के साथ साथ आप और मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि प्रोटीन में क्या खाया जाए। सो अगर आपका यूरिक एसिड बॉर्डर लाइन या माइल्ड टू मॉडरेट ज़्यादा है, आप मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन, जिस तरह जो दालों में हो गई, सब्जियों वगैरह के जो प्रोटीन हैं, उनका आप इस्तेमाल यकीनी तौर पे कर सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल आपने कम करना है। जो बड़ा गोश्त है उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में ये चीज़ें पाई जाती हैं, सो उसका इस्तेमाल आपने कम करना है। बीन्स का इस्तेमाल आपने कम करना है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आपने कम करना है, क्योंकि उसमें जो ऑक्सलेट्स होती हैं और इसी तरह और भी चीज़ें होती हैं वो आपके यूरिक एसिड के साथ मिलकर किडनी स्टोन्स बना सकती हैं। सो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें जिनको यूरिक एसिड ज़्यादा है। जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि उनमें आपको मुख्तलिफ किस्म की विटामिन बी कम्प्लेक्स वगैरह और इसी तरह फॉलिक एसिड और बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं पानी, और उसमें जो है तो आपको मुख्तलिफ किस्म की नमकियात और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिल रही होती हैं। आप अगर अंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं, बेशक आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे की जो सफ़ेदी है वो एल्ब्यूमिन से बनी हुई है, और एल्ब्यूमिन का जो है तो आपके यूरिक एसिड पर कोई असर नहीं होगा। आप एल्ब्यूमिन का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं। और इसी तरह जो छोटी नेचर की प्रोटीन्स हैं, छोटी प्रोटीन्स हैं, जिस तरह दालों वगैरह में हो गई वो, या जो प्लांट सोर्स प्रोटीन्स हैं उसका इस्तेमाल आप बेशक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चिकन या मछली का इस्तेमाल थोड़ा करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बड़ा गोश्त और ये छोटा गोश्त ये जो है आपको बहरहाल कम करना होगा। बल्कि अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है तो कुछ अर्से के लिए आपको बंद करना होगा, और अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप हरी सब्जियाँ, फल और मशरूबात इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो है वो एक बुनियादी चीज़ है। आपको जो भी बीमारियां हो, आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज जलाते हैं और आप जो आपके बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनसे आपकी जान छूटती है, तो आप एक्सरसाइज जो है उसको यकीनी बनाएं। हफ्ते में कम अज़ कम 5 दिन आप एटलीस्ट 30 से 45 मिनट तक की जो एक्सरसाइज है वो ज़रूर कीजिए। अब अगर इन चीज़ों के साथ और इन रेमेडीज़ के साथ आपका यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं होता तो आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और आपका डॉक्टर जो है वो आपको एलोप्यूरिनॉल या फिबॉक्सोस्टेट या इस तरह जो प्रोबेनिसिड वगैरह है वो आपके इंडिविजुअली आपका मुआयना करके आपको बता सकता है कि आपको किस दवाई की ज़रूरत है और किस मिकदार में कितने अरसे तक आपको वो दवाई खानी है। लेकिन ज़्यादातर जो यूरिक एसिड के मरीज़ हैं
वो यूरिक एसिड का इलाज जो है वो सिर्फ परहेज़ के साथ, एक्सरसाइज के साथ, डाइट के साथ और ज़्यादा मशरूबात के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इन बातों पर अमल करके आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे और ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएंगे ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हासिल होता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।